वहीं केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज मैदान में उतर गया है। सरकार को 22 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि इस महापड़ाव को देखते हुए प्रशासन भी चौकस हो गया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जाट एकता जिंदाबाद के नारे और हाथों में लाठी डंडा लेकर जाट समाज सड़क पर उतर गया। मांग एक बार फिर वही जो वर्षों से की जा रही है, केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की। आरक्षण की इस लड़ाई में भरतपुर और धौलपुर का जाट समाज सक्रिय होता जा रहा है। भरतपुर के उज्जैन तहसील के गांव जयचौली में महापड़ाव का आज तीसरा दिन है, जहां लगातार जाट समाज के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज महापड़ाव में बड़ी संख्या में महिलाएं लाठियां लेकर पहुंची और कहा कि अब हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसके साथ ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए जाट समाज ने महापड़ाव स्थल पर ही हवन यज्ञ किया। वहीं जाट समाज ने सरकार को 22 जनवरी तक का वक्त दिया। 22 तारीख के बाद आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। संख्या की बात तो ऐसी है कि 1 बजे महापड़ाव का हम विधिवत शुरुआत करते हैं। गांव से लोग आते हैं। अभी 22 तारीख तक हमारा गांधीवादी तरीके से ये महापड़ाव चल रहा है। 22 तारीख की शाम को 5 बजे हम लोग निर्णय लेंगे और रणनीति तय करेंगे। अगर 22 तक सरकार चेतती है, सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेती है, तो सरकार को हम धन्यवाद देंगे। हमारी ना तो सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, ना किसी पार्टी से लड़ाई है, हमारे बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है। हालांकि महापड़ाव को देखते हुए प्रशासन भी तैयार नजर आ रहा है। गांव को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। बड़ी संख्या में एसटीएफ की बटालियन, आरएसी की टीम और कई थानों की पुलिस को रेलवे पुलिस के जवानों के साथ तैनात किया गया है। प्रशासन महापड़ाव स्थल के आसपास हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सितंबर 2021 में भी जाट समाज ने चक्का जाम किया था। तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशी पत्र लिखा था। उसके बाद आरक्षण संघर्ष समिति दिल्ली ओबीसी कमीशन से मिला, केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की, लेकिन आरक्षण नहीं मिल सका। रणनीति बनाई जाएगी कि अब आगे क्या करना है। 22 जनवरी तक ये महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। आज महापड़ाव का तीसरा दिन, जाट समाज के लोग लगातार महापड़ाव में पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब जो आगे की रणनीति है वो पंच पटेलों द्वारा बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर।